नमस्कार। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। प्यार किया तो डरना क्या, इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आज चर्चा करने जाएंगे कि अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर एक जजमेंट दिया है, उस पर हम कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। ये जजमेंट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5, 6, 7, 46 पर है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरधर्मीय शादी करने वाले इस कानून का फ़ायदा उठाकर अपनी शादी इस कानून के तहत रजिस्टर कर सकते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम ये था कि आपको शादी रजिस्टर करने के पहले, चाहे वो अंतरधर्मीय शादी हो या एक ही धर्म के दो व्यक्तियों की शादी हो, शादी रजिस्टर करने के पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता था धारा 5 के अनुसार। रजिस्ट्रार उस नोटिस को फिर पब्लिश करता और किसी प्रोमिनेंट अपने ऑफिस के कोई महत्वपूर्ण या प्रोमिनेंट जगह पर उसको पब्लिश करना ज़रूरी था, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो इस शादी को लेकर, कानूनन ऑब्जेक्शन हो, तो वो मैरिज रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते और इस शादी को रजिस्टर न करने की बात कर सकते। ये नोटिस 30 दिन तक रहना थी नोटिस बोर्ड पर और इस 30 दिन के बीच कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता था। शरारत ये होती थी कि अगर आप 30 दिन की नोटिस देने जाएं तो बहुत सारे प्यार के दुश्मन जो लव जिहाद का झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं उन तक ये बात पहुंच जाती और फिर वो हिंसा पर उतारू ये गिरोह ऐसी शादियों का विरोध करते, दबाव डालते और फोर्स करते कि लड़की के माँ बाप इस शादी से पलट जाए। लड़की या लड़के के माँ बाप कोई भी शादी से पलट सकता था और उन पर दबाव डालकर शादी की नोटिस को पीछे खींचने के लिए लगा सकता था। अब 30 दिन का पीरियड बहुत लंबा पीरियड लगता कि कब ये 30 दिन कटेंगे और कब ये शादी रजिस्टर होगी। और शायद एक गिरोह ऐसा बन गया था शादी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो अंतरधर्मीय ऐसी नोटिस पर, शादी की नोटिस पर कड़ी नज़र रखता और नोटिस मिलते ही उनके माँ बाप तक ये बात पहुँचा देता और फिर ये हिंसा पर उतार कर अलग अलग प्रकार का दबाव डालकर शादी को रोक लगाते। इसके परिणाम स्वरूप क्या होने लगा कि या तो अंतरधर्मीय शादी करने वाले दोनों ही अपना, दोनों में से एक अपना धर्म परिवर्तन कर लेता और अपने ही धर्म के रीति रिवाज के अनुसार तुरंत शादी कर लेते और फिर पुलिस स्टेशन चले जाते और कहते हम शादीशुदा है और हम साथ में इकट्ठा रहना चाहते हैं और समाज या हमारे माँ बाप हमको अलग ना करें या झूठे केस ना डाले, किडनैपिंग का, बलात्कार का वगैरह वगैरह ऐसे केस ना डाले। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट ने ये कहा है कि ये जो शादी की नोटिस पब्लिश करने का एक मैंडेटरी ऑर्डर है उसको उन्होंने गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, ये कहकर कि 30 दिन का नोटिस जब पब्लिश होता है तो शादी करने का, जिन्होंने शादी करने की जिन्होंने नोटिस दी है उनकी प्राइवेसी का हनन होता है, उनके जीने का अधिकार, अपने तरीके से जीने का अधिकार का हनन होता है और उनके मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। इसीलिए इसको रद्द कर दिया है इस प्रोविज़न को, या ये कहकर कि अगर वो शादी करने वाला जोड़ा अगर वो नोटिस देना चाहते हैं और पब्लिश करवाना चाहते हैं तो वो पब्लिश करवा सकते हैं, पर अगर वो ना चाहें तो ये 30 दिन की नोटिस को पब्लिश ना करें और उनकी शादी बिना 30 दिन के नोटिस के पब्लिकेशन के रजिस्टर कर दें, ताकि उन पर
समाज का दबाव ना आए, शादी उनके चॉइस के हिसाब से हो और उनका जो प्राइवेसी का अधिकार है उस अधिकार का हनन ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी सुविधा हो जाएगी कि वो बिना नोटिस दिए, बिना नोटिस पब्लिश किए अपनी शादी, अंतरधर्मीय शादी अपनी मर्जी के अनुसार, प्रेम के अनुसार वो रजिस्टर करवा सकते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार बार ये संदेश दे रहा है कि यूपी का जो कानून, तथा कथित लव जिहाद वाला जो कानून है, जो दरअसल धर्म परिवर्तन के खिलाफ का कानून है या धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ का कानून है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार बार ये संदेश दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि यूपी सरकार का ये कानून स्वीकार्य नहीं है, संवैधानिक नहीं है और प्राइवेसी का हनन करने वाला है। जो प्रेम करने वाले हैं उनके अधिकारों में, उनके मूलभूत अधिकारों में रुकावट डालने वाला ये कानून है, ऐसा सिग्नल हमें मिलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब इस पर जजमेंट देगा तब देगा, या सुप्रीम कोर्ट इस पर जब जजमेंट देगी तब देगी, लेकिन इसे पूरा खतरा टलता नहीं है। इसलिए कि अब भी जब अंतरधर्मीय प्रेम विवाह करने वाले लोग, जोड़ा जब अपनी शादी रजिस्टर कराने जाएगा, तो उस नोटिस को पब्लिश किए बिना उसकी मालूमात, उसकी इंफॉर्मेशन अब भी समाज तक और उनके माँ बाप तक पहुँच सकती है और उन पर दबाव डाला जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से राहत नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक आंशिक राहत है, थोड़ी बहुत राहत है। और हम चाहेंगे कि ये जो धर्म स्वतंत्रता के विरुद्ध का जो कानून है, जिसको लव जिहाद के नाम से यूपी सरकार उस बहाने कानून लाई है, उस कानून को वापस लिया जाए और लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार, धर्म परिवर्तन किए बिना उनको शादी की आज़ादी दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद और नमस्कार।